हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल लुक। एंड इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम कट क्रीज आई शेडो लुक भी ट्राई किया है। एंड बहुत ही ईजी होता है ये कट क्रीज आई शेडो लुक को क्रिएट करना। और अगर आप जानना चाहते हो कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। सो किसी भी मेकअप को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट स्टेप होता है कि हम अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने स्किन को क्लीन करने से। तो मैंने अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप जो भी फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हो उससे अपने स्किन को, अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लो। एंड सेकेंड स्टेप होता है अपने स्किन को टोन करना। सो टोनिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर। आप उसको अपने फेस पे स्प्रे करो एंड मेक श्योर ये आपकी आइज़ में ना जाए। एंड इसके बाद में आपको जस्ट डैब डैब अपनी स्किन को करना है सो दैट ये टोनर आपकी स्किन में एब्सॉर्ब हो जाए। सो टोनर अप्लाई करने के बाद में थर्ड स्टेप है कोई भी सीरम अप्लाई करना। अगर आपके पास में कोई भी सीरम है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज वो स्टेप आप स्किप कर सकते हो। सो सीरम के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गुड वाइब्स का रोज़ सीरम। ये बहुत ही अच्छा वाला सीरम है, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। तो मैं इस सीरम को अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। आपको जस्ट 2 से 4 ड्रॉप ही अपने फेस पे अप्लाई करनी रहती है। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपकी स्किन अच्छे से स्मूथ नहीं है तो आप 2 से 4 ड्रॉप और ले सकते हो। और अच्छे से इसको अप्लाई करने के बाद में हमारा फोर्थ स्टेप है मॉइस्चराइज़र। सो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पर लिया है नीविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र। एंड कि काफ़ी अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र है, साथ ही इसमें विटामिन ए भी है तो अच्छे से स्किन को नरिश भी करता है। तो आप इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी लेकर अपने फेस पे अप्लाई कीजिए और मेक श्योर कि आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई ना रहे ताकि अच्छे से आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्लेंड हो सके। सो अब इस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करने के बाद में आपको अपनी स्किन को 5 से 10 मिनट तक रेस्ट के लिए देना है ताकि सारी चीज़ें आपके फेस पे अच्छे से ब्लेंड हो जाएँ। सो अभी हमने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया है। तो अब बारी आती है हमें अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ करने की ताकि उस पर जो भी हम लिपस्टिक अप्लाई करें वो ड्राई सी ना दिखे। सो अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ बायोटिक का बायो फूड वाइटनिंग लिप बाम। ये काफ़ी अच्छा वाला लिप बाम है, मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली। बिकॉज इसमें एक रेडिश सा टिंट रहता है और ये आपके लिप्स को इंस्टेंटली नेचुरली रेड कर देता है। अब आप अपने फेस को 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए दें और उससे पहले कोई भी आपको मेकअप प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है सो दैट जो भी हमने स्किन केयर किया है वो हमारे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आई मेकअप से सो दैट हमारी स्किन रेस्ट कर सके। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ ये शुगर का ब्राउ डिफाइनर। और इस प्रोडक्ट की खास बात ये है कि इसमें आपको ब्राउ प्रोडक्ट के साथ में ही स्पूली भी मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं अपनी ब्राउ को हल्का सा सेट करूँगी और अब मैं दूसरी साइड से अपनी ब्राउ को अच्छे से फिल करूँगी। जहाँ पर भी मुझे गैप्स दिख रहे हैं वहाँ मैं अप्लाई कर लूँगी। सो अब मैं अगेन दूसरी साइड से अपनी ब्राउ को कॉम करूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो डस्ट ऑफ हो जाए। ब्राउ को फिल करने के बाद में मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ प्राइमर। तो मैंने यहाँ पर लिया है लैक्मे का एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइम। सो मैंने यहाँ पर जस्ट आप पी साइज़ ही प्रोडक्ट लिया है और अपने टी जोन पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें ऑयलिंग यहाँ पर ही होती है। और आप इसे अपने अंडर आइज़ पे भी अच्छे से यूज़ करें ताकि जब हम कंसीलर को यूज़ करें तो वो क्रीज ना हो। सो प्राइमर अप्लाई करने के बाद में मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रही हूँ कंसीलर। सो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर और इसमें मेरा शेड है फेयर। एंड थोड़ा सा कंसीलर लेकर मैं अपने अंडर आइज़ पे अप्लाई करूँगी और जो भी मेरे डार्कर एरियाज़ हैं, पिंपल्स हैं, रेडनेस है वहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा इसको अप्लाई कर लूँगी। एंड इसके बाद में मैं अपनी फिंगर से ही इस कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। एंड जो भी एक्स्ट्रा कंसीलर है उसको मैं अपनी आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी ताकि जो भी हम आई शेडो अप्लाई करें उसका कलर अच्छे से आए इस पर। सो कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ फाउंडेशन। सो मैं अपना नो मेकअप लुक क्रिएट करने जा रही हूँ इसलिए मैंने बहुत ही लाइट वाला फाउंडेशन लिया है। तो ये है लैक्मे का 9 to 5 वेटलेस स्मूथ फाउंडेशन और इसमें जो मेरा शेड है वो है रोज़ इवॉरी। एंड इस फाउंडेशन की थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर मैं अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। एंड अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड मेक श्योर कि कहीं पर भी आपको पैचेस ना नज़र आए, एकदम इवन लुक आए। सो अच्छे से आप टाइम लेकर फाउंडेशन को ब्लेंड करें। सो अभी हमने जो भी फाउंडेशन एंड कंसीलर अप्लाई किया है उसको हम लूज़ पाउडर से सेट कर लेंगे ताकि कोई भी फाइन लाइंस ना नज़र आएँ। सो मैंने यहाँ पर लूज़ पाउडर लेकर अपने अंडर आइज़ पे अप्लाई कर लिया है और अब उसको हम 2 से 4 मिनट तक रखेंगे एंड देन उसके बाद पे हम जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसको डस्ट ऑफ कर देंगे। सो अभी हमारा बेस बिल्कुल रेडी है, तो अब हम चलते हैं अपने आई मेकअप की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट करूँगी। तो ऑलरेडी मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल कर लिया है, तो अब बारी आती है इनकी फिनिशिंग की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फ्लैट टॉप ब्रश लिया है और इस ब्रश पे हम थोड़ा सा कंसीलर लेंगे और अपनी आईब्रोज़ को एक शेप क्रिएट करेंगे। सो अब हम अप्लाई करेंगे आई शेडो। तो आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पर लिया है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट और इसमें मेरा शेड है रोज़ इन एयर। तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल एंड बिगिनर फ्रेंडली आई शेडो पैलेट है। तो सबसे पहले मैं एक स्मॉल फ्लफी ब्रश पे ये ट्रांजिशन शेड लूँगी और इसको अपने आउटर क्रीज पे अप्लाई करूँगी। अब इस ट्रांजिशन कलर को ब्लेंड करने के बाद में मैं यहाँ पर एक स्मॉल ब्रश पे ये डार्क ब्राउन कलर पिक करूँगी और इसको अपने विंग पे प्लेस करके एक विंग लुक क्रिएट करूँगी। अब इस विंग को क्रिएट करने के बाद में मैं लूँगी ये ब्यूटीफुल सा पिंकिश कलर और इसको मैं प्लेस करूँगी ब्राउन कलर के थोड़ा सा पहले और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड अब हम क्रिएट करेंगे कट क्रीज। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फ्लैट टॉप ब्रश पे थोड़ा सा कंसीलर लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर अपनी सिर्फ हाफ क्रीज़ को ही कट करेंगे, पूरा क्रीज़ को हमें नहीं कट करना है और इस कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब इसी पैलेट से मैंने एक गोल्डन शिमरी कलर को पिक किया है और इस कंसीलर के ऊपर अप्लाई कर दूँगी जिससे काफ़ी अच्छा वाला लुक आएगा। अभी हमारा आई शेडो लुक कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ मस्कारा। तो मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लैक्मे का आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा इन द कलर ब्लैक। अब मैं मस्कारा को अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी आई लैशेस पे अप्लाई कर लूँगी और मैंने एक सिंगल कोट ही अप्लाई किया है मस्कारा का। तो अब मेरा मस्कारा भी अप्लाई हो गया है, तो अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैक्मे की 925 लिपस्टिक और इसका जो शेड है वो काफ़ी अच्छा वाला शेड है, काफ़ी यूनिक शेड है, ना ही बहुत ही ज़्यादा डार्क है ना ही बहुत ही ज़्यादा लाइट है। इसका जो शेड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट। नाउ मूविंग ऑन टू द बेस अगेन। तो मैं अपने फेस को हल्का सा कॉन्टोर करूँगी। तो कॉन्टोर के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट और इसी में जो ट्रांजिशन शेड है वो यूज़ करते हुए मैं एक 3 का शेप बनाऊँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब कॉन्टोर होने के बाद में मैं अप्लाई करने जा रही हूँ ब्लश। ब्लश के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कलर बार का ब्लश और इसको हल्का सा लेने के बाद में मैं थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर दूँगी ताकि बहुत ज़्यादा ब्लश ना हो जाए। सो हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर और इसमें जो मेरा शेड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। सो हल्का सा हाइलाइटर मैं अपने फिंगर टिप से लूँगी और अपने ब्लश के ऊपर अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे और ब्राउ बोन पे भी। और ये जो मैंने लेंसेज यूज़ किए हैं ये है फ्रॉम द ब्रांड अफेयर्स एंड इसमें जो मेरा कलर है वो है सॉफ्ट हेज़ल। नाउ आई एम डन विथ माई कम्प्लीट मेकअप लुक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन